ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश, साजिश थी यह हादसा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ईरान खुद ये मान रहा है कि अगर ये हत्या है तो इसमें इजराइल का हाथ हो सकता है। रईसी के दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर को ढूंढने में टर्की को सफलता मिली थी। उसके ड्रोन ने ही हीट सिग्नेचर से हादसे वाली जगह से हेलीकॉप्टर का मलबा ढूंढ निकाला था। टर्की ने ही खुलासा किया कि हेलीकॉप्टर का इमरजेंसी सिग्नलिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था। जिस हेलीकॉप्टर में ईरान के राष्ट्रपति सफर कर रहे थे उसका इमरजेंसी सिग्नलिंग सिस्टम क्या अचानक बंद हुआ या पहले से ही कोई साजिश रची गई थी? अजरबैजान से 3 हेलीकॉप्टरों का उड़ना, 2 का सुरक्षित लैंड करना और 1 का अचानक लापता हो जाना एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ईरान की सुरक्षा एजेंसियां भी नहीं ढूंढ पा रही। डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि वीवीआईपी मूवमेंट को टॉप सीक्रेट रखा जाता है, लेकिन डैम उद्घाटन के बारे में सबको पहले से पता था। जब हेलीकॉप्टर वहां खड़े होंगे, अगर साजिश रची गई तो वहीं छेड़छाड़ की गई होगी, क्योंकि क्रैश की वजह मौसम कम, टेक्निकल प्रॉब्लम ज्यादा मानी जा रही है। तो क्या ये इंटरनेशनल साजिश थी या ईरान के अंदर ही रईसी का दुश्मन मौजूद है? दरअसल ईरान की राजनीति इस समय एक अलग ही दौर से गुजर रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का बेटा रईसी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना जा रहा था। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या खामनेई के बेटे की उम्मीदवारी रईसी की जान पर भारी पड़ गई। रक्षा विशेषज्ञों की ओर से ये तर्क भी दिया जा रहा है कि रईसी की मौत के बाद अब खामनेई का बेटा मुस्तबा राष्ट्रपति पद के अकेले उम्मीदवार है। रईसी इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने खामनेई के बेटे को चुनौती दी है। दूसरी तरफ ईरान की लीडरशिप का सीधा मुकाबला इजराइल और अमेरिका से भी हो रहा है। दोनों कैंप एक दूसरे को एक आंख भी नहीं पसंद करते। एक तरफ बाइडन, नेतन्याहू और उनके नाटो की मंडली है। तो दूसरी तरफ हमास चीफ इस्माइल हानिया के साथ हिजबुल्ला और ईरान की लीडरशिप खड़ी हुई है। इनके साथ रूस भी है और चीन भी खड़ा है। ईरान के मुद्दे पर मुस्लिम देश भी बंट चुके हैं। यूएई, कतर, अजरबैजान जैसे देश इजराइल के साथ हैं और टर्की ईरान के साथ खड़ा है। सऊदी अरब भी गाजा के मसले पर ईरान को बैकडोर से सपोर्ट कर रहा है।